हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ आंवले का अचार, जो कि मोस्ट अवेटेड रेसिपी सी। सब कोई मैनू कह रहा है कि मैम आंवले के अचार की रेसिपी दो, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स आंवले का अचार बहुत अच्छा लगता है। और आंवले के फायदे सबनों पता है, सबनों पता है कि आंवला कितना फायदेमंद होंदा है। और आंवले च विटामिन सी और मिनरल्स होंगे है, बहुत जूसी होंगे आंवला। और विटामिन सी जेड़ा बहुत सारिया इन्फेक्शन्स तो सानू दूर करता है। ये देखो मैं आंवले लिते, बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी दे है। मेरा आंवले का आधा किलो अचार का ऑर्डर क्वांटिटी है, पूरे हाफ के जी है। देखो कितने हरे हरे आंवले है। और इन्हों मैं अच्छे नाल पहले वॉश किया चार पाँच पानी नाल, फिर इन्हों मैं ड्राई किया, फिर इन्हों मैं एक दो घंटे वास्ते, एक डेढ़ घंटे वास्ते धुप च रख दिता। ए मैं बिना उबाले बिना वो तो स्टीम वाला अचार बना रही हूँ, क्योंकि कस्टमर नू देना है। आप जिस तरह मर्जी बनाओ, जो ऑर्डर का अचार है तो सानू थोड़ी प्रीकॉशनस लैने पैंदी हैं। हाँ, कस्टमर अगर चाहे, उन्होंने बोलिया सीगा कि स्टीम वाला अचार नहीं मैं चाहिए, तो मैं उदे अकॉर्डिंग ही अचार बना रही हूँ। जिस तरह मैं तुहानू हर वीडियो कहनी हाँ कि मैं ऑर्डर लैनी हाँ अपने कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए आंवले एकदम ड्राई हो गया है। हुण इहदे विच मैं की कीता है, सरसों का तेल अच्छी तरह नाल पका लिता है। मैं कोई भी ऑयल मस्टर्ड ऑयल तो इलावा नहीं यूज़ करती। मस्टर्ड ऑयल च अचार जड़े है बहुत ही अच्छे बनते हैं। पहले जमाने भी लोग मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते थे। ठीक है, हुण मैं इहदे विच की पावांगी, मैं सौंफ मेथरे और थोड़ी जी कलौंजी चंगी तरह नाल ड्राई रोस्ट कर लेती है। ड्राई रोस्ट इस करके की है, एदा मॉइस्चर निकल जाएगा, साडा अचार की शेल्फ लाइफ होर ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाएगी। ए हल्दी है, ए थोड़ा जहा गर्म मसाला है, ए लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, तेज़ वाली नहीं है। ठीक है, ए साडे इनग्रीडियंट्स है। प्लस नमक ऐड करांगे इहदे विच, उहदे नाल गुड़ भी ऐड करांगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए तेल गर्म अच्छे नाल हो गया सीगा, इहनू मैं गैस बंद कर दिती है। हुण ल्यूक वॉम है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। इहदे विच सारे मसाले थोड़े थोड़े करके पाँगे, ठंडा हो गया तेल इस करके मसाले जलनगे नहीं। बस इहदे नाल गुनगुना जिहा तेल हो गया, इहदे नाल कलर भी आ जाएगा और साडे मसाले थोड़े पक भी जाणगे। जे तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जे तुहानू रेसिपी अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक करके जाया करो। इहदे नाल मैनू काफ़ी ज़्यादा इंस्पीरेशन मोटिवेशन मिलती है, मेरा मोराल वधदा है। तो प्लीज़ मैनू सपोर्ट करो मेरे चैनल नू। अज तो पाँच दिन पहले भी 49 सबसक्राइबर सीगे, अज भी 49 सबसक्राइबर है। सो प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर लाइक कॉमेंट माई चैनल एंड सबसक्राइब द लिंक। ठीक है, यह हूँ मसाले तेल च पकते पे, हालांकि गर्म नहीं है, बट इन्ना गर्म है कि यह मसाले थोड़ी जी पक जाएंगे। ठीक है, फिर ये मैं ऐड कराँगी नमक। हूँ अद्धा किलो अचार है, तो ये चार तो पाँच चम्मच ईजीली नमक चला जाएगा। जिस तरह कि तुहानू सबनों पता है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करनी हाँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करनी हाँ, फूड बिजनेस भी करनी हाँ। उहदे अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे नाल करनी हाँ। मॉर्निंग 5 o'clock तो रह के रात 10 बजे तक मेरा काम रहिंदा। 10 बजे तो बाद मैनू लगता है कि मैं नहीं कर पाँदी काम, मेरी बॉडी नहीं इन्ना सर्वाइव कर पाँदी। तो इस करके मेरी किचन से 2-3 चीज़ा एट ए टाइम बनी दी तुहानू मिलनगियां खाने के भी। इस करके अलग अलग चीज़ा बनिया, जिस तरह कि मैं सवेरे साग तड़किया सीगा, साग भी पिया लगा है। प्लस मैं बैंगन का भट्ठा बनाया, मैं भी वो भी दिखा दिनी हाँ। मतलब मेरी किचन से 2-3 चीज़ा हमेशा दिख रही हैं, क्योंकि किसी भी टाइम कोई डिमांड कर देता वै, तो वो अकॉर्डिंग से प्रिपेयर्ड रहनी हाँ मैं। ठीक है, नमक भी अच्छे नाल मिल गया। वो नाल हूँ मैं पावगी गुड़। हूँ कस्टमर ने मैं बार बार कहा कि मैं खट्टा मिठा अचार चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग आंवले बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे है, इस करके मैं ये गुड़ पाता है। गुड़ कम से कम 100 ग्राम के करीब करीब पाया मैं, 500 ग्राम आंवले। गुड़ भी अच्छे नाल मेल्ट हो जाएगा, हल्का हल्का गर्म है घ्यो और तेल, तो गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। हूँ मैं लगता है कि 2 मिनट गैस ऑन करके
थोड़ा जहा गुड़ पका लिता जाए हल्की गैस से। ये मैं ये थोड़ा जहा सिरका ऐड करांगी, इस करके कि सिरका एक एज अ प्रिजर्वेटिव का रोल करता है। सिरका कोई भी अचार चीज़ असं पाने तो वह अचार खराब नहीं होता जल्दी ना, क्योंकि वैनेगर जोड़ा है वो एक एसिड के रूप से काम करता है, प्रिजर्वेटिव के रूप से काम करता है। ठीक है, तुसी मेरी रेसिपी को फॉलो करके अचार बनाओ। तुहानू मैं आने वाले टाइम से आंवले के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दसांगी। मैनू कम से कम 6-7 तरह के आते हैं, आंवला कैंडी आम कई तरह के आंवले के अचार आते हैं। तो आंवला बहुत ही अच्छा है स्किन वास्ते, आंवला बहुत अच्छा है बालों वास्ते, बहुत अच्छा है। आंवले का मुरब्बा बनाने या कुछ है, तो मिलने नैक्सट ब्लॉग च। हरे कृष्णा।